हेलो एवरीवन वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस तो आज हमारा डे फाइव है फॉर द एस्टेड पीजीटी कंप्यूटर साइंस के क्रैश कोर्स के लिए इससे पहले हम डे फोर को कवर कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेलाइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा बोलियन

एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से मिन टर्म्स फॉलो हो रही हैं कौन कौन से मिन टर्म्स जनरेट हो रही हैं तो इसलिए उसके साथ ही बुलियन एक्सप्रेशन के साथ हमें टर्म्स का आइडिया होना चाहिए तो मिन टर्म्स होती क्या हैं सबसे पहली इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा और बेस स्मॉल किससे सिग्मा बेस स्मॉल एम से किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मिन टर्म्स को फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हैं ए बी सी मिन टर्म्स जो हैं वो हमारी एक प्रोडक्ट टर्म होती हैं कौन सी होती हैं प्रोडक्ट टर्म ये ये वर्ड भी कई जगह लिखा मिलता है कि जो मिन टर्म है वो हमारी प्रोडक्ट टर्म होती है या फिर सम टर्म होती है तो जो मिन टर्म है वो प्रोडक्ट टर्म होती है ठीक है याद रखना है तो प्रोडक्ट टर्म होती तो बेसिकली मिन टर्म होती क्या है जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं या तो उनको डायरेक्ट या तो उनका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म या तो नेचुरल फॉर्म या तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में जितने भी वेरिएबल्स वहाँ पे लिए हुए हैं उनको कंटेन करती है और मिन टर्म कैसे टर्म है इज़ अ प्रोडक्ट टर्म रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सिग्मा एम से तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने तीन वेरिएबल लिए ए बी सी यहाँ पे तीनों के लिए क्या क्या पॉसिबल चॉइस हो सकती है या तो तीनों जीरो होंगे या तो जीरो ज़ीरो वन होगा या तो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो एंड देन वन 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 इस टाइप से तीन वेरिएबल से हम ये एट डिफरेंट नंबर ऑफ जनरेट कर सकते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी मिन टर्म्स होंगी वो क्या क्या होंगी मिन टर्म के अंदर जहाँ पे आपको लिखा मिले बार मींस जीरो और सिंपली वो वेरिएबल लिखा है दैट मीन्स वन अब जो मिन टर्म थी वो क्या थी एक प्रोडक्ट टर्म है और वो या तो उस वेरिएबल को नेचुरल फॉर्म में लेगी तो नेचुरल फॉर्म कौन सी हुई कि उसको ऐसे कैसे ले लिया या तो उसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेगी लेकिन उस एक मिनटम के अंदर सारे के सारे वेरिएबल कंटेन प्रेजेंट होने चाहिए तो अब यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं तीन हैं ए बी सी तीनों वेरिएबल ले लिए लेकिन जो फर्स्ट मिनटम है हमारी ज़ीरो जीरो जीरो इससे हमें क्या आउटपुट मिल रही है ज़ीरो यानी कि इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम ज़ीरो यहाँ से हमें ज़ीरो मिनटम मिल रही है अब ज़ीरो मिनटम के लिए हमें नेचुरल फॉर्म अगर लेंगे तो नेचुरल फॉर्म को हमने कैसे लिखा है रिप्रेजेंट किया है वन से और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है ज़ीरो से तो यहाँ पर हमें ज़ीरो ज़ीरो चाहिए तो तीनों का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनटम वन की ये है मिनटम टू और मिनटम थ्री फोर फाइव मिनटम सिक्सम सेवन तो यहाँ पे तीन वेरिएबल से टोटल एट डिफरेंट नंबर ऑफ मिनटम्स जनरेट हुई है तो मिनटम वन के लिए वेरिएबल तो तीनों लेने हैं ए बी सी अब जो सी है वो हमें नेचुरल फॉर्म में चाहिए क्योंकि सी वन होना चाहिए बाकी ए और बी हमारे जीरो होने चाहिए तो ए और बी को किस फॉर्म में लेंगे हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में इस टाइप से इसके सारे मिनटर्म्स की रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे ए बी सी जहाँ जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे क्या लगेगा बार कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड देन ए बी सी तो ये हमारी क्या हो गई मिनटर्म्स एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव एम सिक्स एम सेवन तो ये क्या हो गई मिन टर्म्स मिन टर्म्स के डेफिनेशन क्या थे मिन टर्म्स आ रहा है प्रोडक्ट टर्म और ये कंटेन करती है हर एक वेरिएबल को जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है या तो उसकी नेचुरल फॉर्म में या तो उसके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी सी क्या ए प्लस बी सी अब ये क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन कौन से मिनटर्म्स यहाँ से जनरेट होंगी तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है हमारा जो सोल्व करने का तरीका है वो इजी हो जाए उसके लिए हम यूज़ करते हैं के मैप क्या यूज़ करते हैं के मैप अब के मैप क्या होता है के मैप मीन्स का नोट मैप के मैप की हेल्प से हम बुलियन एक्सप्रेशन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मिन टर्म्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी एक सिस्टमेटिक मॉडल है के मैप क्या है एक सिस्टमेटिक मॉडल है जिससे हम अपने बुलियन एक्सप्रेशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू बुलियन एक्सप्रेशन हम मिन टर्म्स को भी ईजीली फाइंड कर सकते हैं अब जो ये के मैप है जिसके अंदर फोर सेल्स हैं अगर हमारा के मैप दो वेरिएबल पे लाई करता है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है टू वेरिएबल्स तो उसके लिए जो सेल्स होंगी वो होंगी टू रेस टू पावर टू अगर थ्री वेरिएबल हैं तो सेल्स होंगी टू रेस टू पावर थ्री मीन्स अगर एन वेरिएबल हैं तो टू रेस टू पावर एन सेल्स प्रेजेंट होंगी ठीक है और कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल हैं तो कितनी सेल्स हुई फोर वन टू थ्री फोर अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एक बार ए बार यानि कि कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म एक बार नेचुरल फॉर्म एक बार कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म एक बार नेचुरल फॉर्म अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है इधर से आया ए बार इधर से आया बी बार क्या आया ए बार बी बार अब ए बार बी बार क्या होता है ए बार का मतलब क्या था ज़ीरो बी बार का मतलब भी क्या था ज़ीरो यानी कि ज़ीरो जीरो तो ज़ीरो ज़ीरो का मीनिंग क्या होता है ज़ीरो तो जीरो अब ए बार बी क्या आया ए बार बी यानी कि जीरो वन तो यहाँ पे कौन सी मिनटम होगी वन ए बी बार यहाँ पे कौन सी मिनटम होगी टू और ए बी यहाँ पे क्या मिलेगा ए बी तो कौन सी मिनटम होगी थ्री इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वन टू थ्री नेक्स्ट अगर हम थ्री वेरिएबल वाले के मैप को देखें तो जो इधर की साइड होगा दो रो होंगी चार कॉलम होंगे अब चार कॉलम है तो क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ए बार बी बार ए बार बी ए बी एंड देन ए बी बार अब आप लोग सोच रहे होंगे ए बार पहले आना चाहिए था ए बी बार पहले आना चाहिए था ए बी बाद में आना चाहिए था लेकिन ए बी पहले क्यों आया है क्योंकि जो के मैप है वो यूज करता है ग्रे कोड को इसको ग्रे कोड को और ग्रे कोड क्या होते हैं एक कॉन्टिन्यूस इंटीजर होते हैं लेकिन उन इंटीजर्स में सिर्फ एक ही डिजिट का डिफरेंस होना चाहिए बाइनरी फॉर्म में क्या होना चाहिए एक ही इंटीजर का डिफरेंस होना चाहिए बाइनरी फॉर्म में तो इसलिए यहां पे इसकी बाइनरी फॉर्म क्या है जीरो 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 वन 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 और वन ज़ीरो अगर ये पहले आ जाता जीरो वन और उसके बाद वन ज़ीरो होता तो दोनों बिट्स चेंज हुई हैं लेकिन होनी कितनी चाहिए सिर्फ एक बिट तो इसलिए वन वन को पहले लिखा है ताकि वन सेकेंड वाले बिट एज इट इज़ रहे पहले वाले बिट चेंज हो गए सिर्फ एक ही बिट का डिफरेंस होना चाहिए इन के मैप इधर क्या आएगा सी बार सी अब यहाँ पे हमें मिल रहा है यहाँ पे क्या मिलेगी टर्म ए बार बी बार सी बार तो ए बार बी बार सी बार क्या थी एम ज़ीरो यानी कि ज़ीरो मिन टर्म ए बार बी बार सी क्या था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस टाइप से इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये सिक्स कैसे आया सेवन कैसे आया फोर कैसे आया फाइव कैसे आया कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा ऊपर से आएगा ए बी बार इधर से आएगा सी बार तो ए बी बार सी बार क्या था ए बी बार सी बार क्या था फोर फोर्थ ऑफ मिन टर्म तो इस टाइप से हम के मैप को रिप्रेजेंट करते हैं और उस के मैप के अंदर हम बड़े से बड़ा ग्रुपिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो एक्सप्रेशन आएगा बुलियन एक्सप्रेशन उसमें मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स हों ठीक है ये जो ए बी सी वेरिएबल या फिर लिटरल्स ये मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए अब जो क्वेश्चन पूछा था ए प्लस बी सी इसके बाद हम फोर वेरिएबल का के मैप भी ड्रॉ करके देखेंगे और जो इसकी पेयरिंग होती है वो हम ऊपर से नीचे की तरफ कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं क्योंकि ये साइक्लिक इन नेचर होता है क्या होता है साइक्लिक इन नेचर तो जो ये क्वेश्चन था ए प्लस बी सी जो मिन टर्म था उसके लिए एक वर्ड लिखा मिलता है आपको एस ओ पी मिन टर्म क्या होती है एस ओ पी एस ओ पी की फॉर्म में होते हैं एस ओ पी मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट होगी देन सम होगा अब यहां पे ए प्लस बी सी बी सी पहले इन दोनों की प्रोडक्ट हुई है उसके बाद सम हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट ठीक है तो यहां से जब ए ए कहाँ कहाँ पे मिल रहा है हमें ए ए यहां पे मिल रहा है यहां पे। तो जहां जहां पे ए है वहां पे हम क्या लिखेंगे वन वन जो मिनटम अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म नहीं है तो हमें क्या लिखना है वन जो जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे वन बाकी को खाली छोड़ देंगे अब बी सी बी सी तो बी यहाँ पे है सी यहाँ पे है यहाँ पे था बी और इधर से सी तो ये पहले से फिल हो चुकी है दोबारा से फिल करने की जरूरत नहीं है इस सेल को बी सी यहाँ पे फिल हो गई अब यहाँ से हमें कौन कौन से टर्म्स मिली हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन तो चेक करें अगर ज़ीरो वन टू नहीं मिली थ्री मिली है एंड देन फोर मिली है फाइव मिली है सिक्स मिली है सेवन मिली है एक बार अगर आपको के मैप का कंसेप्ट समझ आ गया तो आप बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मिनटर्म्स हमें मिल रही हैं और अगर मिनटर्म्स देगा तो इस एक्सप्रेशन को भी बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग ठीक है एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप से क्योंकि एग्ज़ाम में मिन टर्म से एक क्वेश्चन पूछा गया है मैंने प्रीवियस ईयर उठा के देखे हैं तो उनमें एक से दो क्वेश्चन हर बार पूछा हुआ है तो मिन टर्म का कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल ए बी बार प्लस बी सी बार ये भी मैंने तीन कितने वेरिएबल हैं ए बी सी तीन वेरिएबल हैं तो के मैप क्या बनेगा एट सेल्स होंगी के मैप के अंदर ए बार बी बार ए बार बी ए बी ए बी बार सी बार सी एक से दो बार खुद से के मैप को ट्राई करोगे तो आप इजीली के मैप को बहुत ही जल्दी से आप बनाना शुरू कर दोगे और आपको सारी मिनटर्म्स भी याद हो जाएंगी ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब पहली टर्म क्या है ए बी बार ए बी बार ए बी बार यानी कि ये पूरा कॉलम ए बी बार सी के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है तो यहां पे भी वन यहां पे भी वन उसके बाद बी सी बार अब बी कहाँ पे है यहां पे है यहां पे सी बार कहाँ है इधर है तो बी सी बार तो इन दोनों के नीचे सी बार तो यहां से कौन कौन से मिनटर्म्स मिली हैं टू फोर फाइव सिक्स आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दे दे इस फॉर्म में दे दे या फिर इस फॉर्म में दे दे आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि हमारे पास जो मिन टर्म है वो ये हैं टू फोर फाइव सिक्स तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो बोलियन एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा बोलियन एक्सप्रेशन फाइंड करो तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है जल्दी से के मैप बनाना है ए बार बी बार ए बार बी ए बी ए बी बार सी बार सी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब जहाँ जहाँ पर मिनटर्म्स दे हुई है वहाँ पे क्या फिल करना है वन तो टू फोर फाइव सिक्स ये मिनटर्म्स मिली हैं हमें तो इस मिनटर्म के अकॉर्डिंग जो ग्रुपिंग करनी है ना आपको वो होगी हमेशा टू की पावर में किसमें टू की पावर में सबसे पहले देखेंगे बड़े से बड़ी ग्रुपिंग यानी कि अब जब एट सेल्स का है तो कोशिश करेंगे कि एट का ग्रुप बन जाए तो टू की पावर थ्री उसके बाद अगर एट का नहीं बनता तो फोर को चेक करेंगे फोर क्या होता है टू की पावर टू फोर का भी नहीं बनता है तो टू का पेयर करेंगे टू की पावर वन इस टाइप से हम पेयरिंग करना शुरू करेंगे टू की पावर में ठीक है अब यहाँ पे फोर का तो पूरा नहीं बन रहा अब जो पेयरिंग होगी वो इस तरीके से नहीं कर सकते आप कि एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से नो no. इस टाइप से नहीं होगा या तो टॉप टू बॉटम हो सकता है या तो लेफ्ट टू राइट हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे दो पेयर बन रहे हैं एक पेयर बन गया हमारा ये वाला जिसमें ये दो मिनटर्म्स आ गई उसके बाद एक पेयर बन गया हमारा ये वाला जिसमें ये दोनों मिनटर्म्स आ गई अब ये जो पेयर है उससे हमें क्या वेरिएबल्स क्या लिटरल्स मिल रहे हैं ए यहाँ पे कॉमन क्या है ये दो हैं तो कॉमन क्या है यहाँ पे बी बी यहाँ पे ए बार ए तो जो कॉमन टर्म है हम उसको लिखेंगे बी और इधर से क्या मिल रहा है सी बार बी सी बार प्लस अब एक जब हमारा एक पेयर बन गया उसके बाद प्लस लगाएंगे क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट हो गई उसके बाद सम अब इधर से कौन सा पेयर मिल रहा है ए बी बार तो एक ही कॉलम है ए बी बार सी पे कोई कंडीशन नहीं है तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से आ गया और ये और ये एक्सप्रेशन क्या दोनों सेम थे येस yes. तो इस टाइप से आपको बुलियन एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बुलियन एक्सप्रेशन से मिनटर्म्स कौन कौन सी आइडेंटिफाई होती हैं वो कंसेप्ट भी पता होना चाहिए एक बार फोर वेरिएबल्स का के मैप बना के दिखा देती हूँ अगर क्वेश्चन आ जाए बाकी फोर वेरिएबल्स से क्वेश्चन नहीं आता स्टेट में आएगा तो थ्री वेरिएबल्स पे ही आएगा या फिर टू वेरिएबल पे तो यहाँ पे यूज़ होंगे फोर वेरिएबल ए बी सी डी ए बार बी बार ए बार बी ए बी ए बी बार और इधर सी बार डी बार सी बार डी सी डी सी डी बार ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन ये काउंटिंग आपको पता होनी चाहिए या तो आपको ये पता हो कि इधर से हमें क्या मिल रहा है ए बार बी बार सी डी तो यहाँ पे हमारी कौन सी टर्म होगी थ्री होगी अदरवाइज इस तरीके से याद रख सकते हैं जीरो वन ये वाला स्पेस छोड़ के जैसे एक डिजिट छोड़ के हमने वो किया था इसी तरीके से यहाँ पे भी एक डिज़िट छोड़ के ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फिर लास्ट सेकेंड वाले कॉलम को छोड़ के नेक्स्ट होगा लास्ट वाले में एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इस टाइप से आप फोर वेरिएबल का के मैप जनरेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी जो भी हमसे मिनटर्म दी हुई है उनके अकॉर्डिंग हम पेयरिंग करके बुलियन एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आई होप आज वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी सो so, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर